गरियाबंद जिले के देवो क्वारंटीन सेंटर में दो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फोकटपारा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और दूसरे दिन इस मोहल्ले को सील करने पर वहां के 300 लोगों के सामने रोजगार की समस्या आ गई। इसी बात को लेकर पुरुष सड़क पर उतर आए और क्वारंटीन सेंटर को हटाने के लिए नारेबाजी करते रहे। गरियाबंद जिले के देवभोग के कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्वारंटीन सेंटर में दो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फोकटपारा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और दूसरे दिन इस मोहल्ले को सील करने पर वहां से 300 लोगों के सामने रोजगार की समस्या हो गई। बस इसी बात को लेकर फोकटपारा के दो वार्ड के 300 महिला व पुरुष सड़क पर उतर आए और क्वारंटीन सेंटर को हटाने के लिए नारेबाजी करते रहे। मोहल्ला वासियों का कहना है कि बस्ती के भीतर क्वारंटाइन सेंटर होने से हमेशा डर बना हुआ है और पॉजिटिव पाए जाने के लिए मोहल्ले को हमेशा सील कर दिया जाएगा, जिससे उनके रोजमर्रा मजदूरी नहीं हो पा रही और परिवार चलाने को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मोहल्ला वासी 2 घंटे तक में प्रदर्शन करते रहे। पुलिस पेट्रोलिंग टीम के समझाइश के बाद घर लौटे। वहीं मोहल्ला वासी का कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर नहीं हटाया गया तो फिर से धरने पर बैठेंगे। वो लड़का को क्या धक्का मार के निकाल दिए और हम करतिया गए थे तो बोलते हैं करोना हो गया तो अपने घर जाओ करके कैसे बोल रहे हैं, डंडा धर के मार जाते हैं। क्या है बताओ तो हमारे पारा में क्या करोना हुआ है क्या? जब आप गलत करो तुम्हारा करोना को किस लिए भीड़ है और क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का ये मांग है कि यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है उसके कारण यानी कोई भी पेशेंट को ला के यहाँ रख रहे हैं तो उसका अगर पॉजिटिव निकलने से हम पारा वाले को उसका भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से क्वारंटाइन सेंटर को हटा के अपना ITI में शिफ्ट करें या कहीं भी शिफ्ट करें, मगर हम लोग जो परेशानी झेल रहे हैं अभी जो जितने हम लोग मजदूर हैं और कोई भी या नहीं यहाँ कर्मचारी नहीं है, सब भूतीवानी करके खाने वाले हैं, तो उन लोगों को क्या है बहुत बड़ा दिक्कत जा रहा है। एक दिन में हम लोग को इतना असर पड़ा है तो अब तो 14 दिन बाकी है।